finally stop running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was whole. Kashish, shopping ho gayi? कशिश ने बहुत सारी कुर्तियाँ परचेज करी हैं, बहुत सारी कुर्तियाँ, एटलीस्ट मेरे पास एटलीस्ट मैंने आई गेस 7 कुर्तियाँ खरीदी हैं और घर पे भी हैं, तो आई थिंक 10 टू 11. सब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, कुछ लाइफ स्टाइल से, कुछ रिलायंस ब्रांड से, और फिर लास्ट में पैंटलून. तो जहाँ से भी मिल सकती थी मैंने कुर्तियाँ ले ली, अच्छी अच्छी मिल गई मुझे, तो आई थिंक 10 to 11 कुर्तियाँ हो गई, काफ़ी है. बाकी तो शर्ट्स और जीन्स भी पहनी है. गुड आफ्टरनून गाइज, देखिए मेरे साथ कौन है, मम्मी आई है. हेलो पापा. अरे मफिन तो बाहर कैसे आ गया? अंदर जाओ, अंदर जाओ. डर गई मैं तो. मम्मी अभी थोड़ा यूज टू नहीं रह गई हैं डॉगी के साथ. वैसे हमारे घर में भी था एनी थी हमारे यहाँ शी डॉग, तो वो भी मतलब मम्मी ने खुद ही पाला है. आपने बहुत 13-14 साल पाला है एटलीस्ट, तो अभी लेकिन वो आदत छूट गई है मम्मी की. और ये बड़ा भी है थोड़ा सा ना, इसका साइज़ भी बड़ा है डॉग का. तो फिलहाल हम लोग बस लंच की तैयारी कर रहे थे. इधर लंच बन रहा है, कोफ्ते वगैरह बने हैं घर में, लौकी के कोफ्ते. मम्मी से पूछा था मैंने, मम्मी आप क्या खाओगे, तो मम्मी ने मुझे बोला मैं लौकी के कोफ्ते खा लेती हूँ. खा लेते हो ना? पापा तो स्मार्ट है, तो मेरे पापा हैं ही स्मार्ट, अब मैं क्या करूँ उसमें. हमें फिलहाल हालत गिर गई है बहुत. मेरा ने सबका रिनोवेशन करा गया, मेरा ढांचा स्ट्रक्चर बदल दिया. तुमने भी अर्बन क्लैब से बुलाया तो था एक दिन, जरा स्पा वगैरह करा देना. पापा जी ने अर्बन क्लैब से बुलाया था जिस दिन हमारे यहां होता ना, कहते पूजा थी उससे एक रात पहले उन्होंने पूरा कराया था, तभी तो उनके पैर का पेन है. करा दो, वो थकान में वो खत्म हो गया, दोबारा फिर कोई बात है. और फिर कशिश का भी जाने का हो गया ना. मम्मी को मैंने अपने हाथ के दही बड़े नहीं खिलाए थे, तो बस वही बना रही थी. इधर कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, वो बने हुए हैं, बस हमें ग्रेवी में मिलाना है, तो फिर लंच हम लोग लगाएंगे. कशिश तुम्हारा क्या सीन चल रहा है, तुम्हारी तैयारियां हो गई जाने की? कर रही है. दादी भी सजेशंस दे रही है कि बेटा ये रख लो, बेटा वो रख लो. अभी दादी ने क्या बोला, मच्छर वो रख लो, मॉस्किटो वाला. ऑल आउट. The joy you give me every day makes me forget that. तो बस कशिश के जाने की डेट जल्दी से नज़दीक आ रही है, और जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे ही सभी लोग मिलना चाह रहे हैं कशिश से. तो इन दिनों काफ़ी सारे लोग कशिश से मिलने के लिए आए, और आज पता है मेरी फ्रेंड भी आई थी. एक ही फ्रेंड है मेरी, सरिता, जैसे आपको पता ही है, बहुत पुरानी फ्रेंड है कशिश के, बचपन की दोस्त भी कह सकते हो उसकी बेटी, क्योंकि इन लोगों की मुलाकात एक पार्क में हुई थी. तो मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड है, जब कशिश 1.25 साल की थी तब से मैं उसे जानती हूँ, और हम लोग आसपास ही रहते थे. वो भी वैशाली में रहती थी उन दिनों, मैं भी वैशाली में रहती थी गाजियाबाद में, और हम लोग एक दूसरे से डेली मिला करते थे जब बच्चे छोटे थे. जब प्रशांत ऑफिस चले जाते थे और उसके हस्बैंड थोड़ा लेट नाइट कहते हैं आते थे, कोई बिजनेस था उनका अपना, तो इस तरीके से हम लोग आपस में बैठ के ढेरों बातें कर लिया करते थे. छोटे बच्चे थे तो घुमाने ले जाते थे. तो आज वो भी मिलने आई थी, उसे भी पता चला ना जैसे ही कशिश जा रही है, उसने कहा मैं उसके जाने से पहले एक बार तो ज़रूर मिलूंगी. मम्मी पापा आए हुए हैं, अंदर हैं बेडरूम में, बस रात का डिनर प्रिपेयर हो चुका है, बस सर्व करना बाकी है. और थोड़ी देर उसके साथ बैठी, वो ज़्यादा देर नहीं रुकी आज, एक्चुअली 1.5 घंटे के लिए ही रुकी थी, बच्चों को लेकर आई थी अपने साथ, तो टाइम का पता ही नहीं चला कहाँ निकल गया. फिर मैं मम्मी के साथ कुछ किचन के प्रोडक्ट दिखाने लगी, क्योंकि मैंने मम्मी के लिए कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे, तो वो मैं शेयर करने लगी, जिसका वीडियो आपको सेपरेटली मिल जाएगा. तो आजकल थोड़ी सी भागा दौड़ी हो रही है लाइफ में, ऐसा चल रहा है, तो मैं कुछ चीज़ों पे तो ध्यान ही नहीं दे पाई. जैसे कि मेरे हाल फिलहाल में 300K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी. मेरे को ही नहीं, आप सबको, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे 300K की फैमिली बनाया, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया. हर एक सब्सक्राइबर को मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने ब्यूटीफुल कमेंट देने के लिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए. और सेलिब्रेशन तो मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ इन दिनों, क्योंकि सेलिब्रेशन मैं बोलूँ तो सच पूछूँ तो 7-8 दिन से घर में सेलिब्रेशन टाइप की ही फीलिंग चल रही है, क्योंकि सभी लोग घर में आ रहे हैं इन दिनों. आप सभी से मिले होंगे, मैं मतलब मेरे फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड, मेरी जो फ्रेंड आई थी आज, बस वो इतनी जल्दबाजी में आई ना, 1.5 घंटा ही मुश्किल से बैठी होगी, तो मैं
आपको मिलवा नहीं पाई, फिर कभी उसके साथ प्रोग्राम बनाऊंगी तो ज़रूर मिलवाऊंगी। वो 300 केक का जो सेलिब्रेशन है वो आपके बिना अधूरा है, आपके प्यार के बिना अधूरा है, मैं क्या बोलूँ। तो आप हो तभी 300 के मेरे फॉलोअर्स हैं, आपका प्यार है तभी मैं यहाँ तक हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ। एक दो दिन इसको शॉपिंग ही करानी है थोड़ी सी। नहीं शॉपिंग करा लो इसको। करा लो बेटा, पहले शॉपिंग करा लो, लास्ट के दो दिन फ्री हो जाओ। ब्रश, पेस्ट, ये सब अभी यही लगाना है, कल बैठ के ये लिखनी है, सब चीज लिखनी है। हाँ लिखी हुई है, अटैची तैयार करके पूरे उसको जो है सील करो। देखो जो तुमको सामान समझ में आता जाए ना कि ये मिल गया, ये चीज आ गई, एक बैग में डालती जाओ, सुई धागा है बैग में डाल दो, चाबियां है, कपड़े तो एक साथ डाल दिए, कपड़े एक संग डाल दिए, तो अपना उसको बाद में अरेंज बाद में अरेंज करने बस अरेंज कर लेंगे। सब सामान एक जगह रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, वहाँ पे जो आराम से रहना ठीक है। और बस फोन वोन करती रहना मम्मा पापा को, कभी कभी वीडियो कॉल कर लेना, वीडियो कॉल कर लूंगी उस टाइम, फोन कर लिया करना जब कोई खास बात नहीं करनी हो तो अपने शाम का या रात का टाइम जो भी हो रात को ही मिलेगा। तो ये है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे फिर से हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। कशिश को कुछ कैजुअल चीज़ें खरीदी थी, कुछ अपने कॉलेज में पहनने के लिए शर्ट्स वगैरह भी देखनी थी, नाइट सूट्स वगैरह चेक कर रही थी वो अपने लिए। नाइट सूट से ज़्यादा उसने बोला मम्मी मैं पजामा और टी शर्ट वाला सेट बना लेती हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, किसी भी पजामे के साथ कोई भी टी शर्ट वगैरह अरेंज कर लो पहन लो, तो वो बाहर भी पहन के जा सकते हो, अपने कैफेटेरिया में जा सकते हो। 28 चल के आपको दिखाएंगे क्या क्या लिया कशिश ने जाने के लिए। जस्ट हम लोग अभी लौटे हैं मार्केट से, दो दिन से तो मैं कशिश को बस मार्केट लेके जा रही हूँ, मार्केट से ही शॉपिंग चल रही है, इसका सामान वगैरह कंप्लीट करने के चक्कर में लगी हुई हूँ कि अपना पूरा कपड़े वपड़े लगा ले। अभी मैंने इसका टॉयलेटरी बैग लगाया, ये रहा टॉयलेटरी बैग पूरा, इसमें सारा इसका वो सामान है, इसमें शैम्पू है, शावर जेल है और फेस पैक वगैरह, मतलब एक आध मैंने रख दिया है, और इसके अलावा टूथब्रश और टूथपेस्ट वगैरह है। और अभी कशिश अपने कपड़े जो लेकर आई थी, सारे कपड़े इसके घर वाले जो हैं ज़्यादातर मैंने, हाँ एक ये समर वाली लेकर आई है, क्विल्ट नहीं है, कम्फर्ट, हाँ एसी क्विल्ट है, हाँ एसी क्विल्ट है, बस इसमें कुछ नहीं है, चद्दर जैसी है, बस डबल साइडेड चद्दर है, हाँ मोटा बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा कपड़ा है क्योंकि गर्मी नहीं लगेगी इसे इसमें, क्योंकि अब हर जगह ही गर्मी पड़ने लगी है इस टाइम, तो वो मोटे वाले कम्फर्टर तो नहीं चलेंगे, पतला वाला कॉटन का ही चलेगा, स्पेशली मैं कॉटन का देख के लाई हूँ। इसमें बिल्कुल भी सिंथेटिक थ्रेड नहीं है जिसकी वजह से गर्मी नहीं लगेगी। तो एक ये करा है मैंने, इसके लिए तीन जो है कर्टेन भी रख दिए, तीन चार कर्टेन, कि अगर इसे विंडो वगैरह मिलती है रूम में तो उस पर डाल लेगी। और बाकी इसका ये सब अरेंज करा रही हूँ मैं, दो इसको बैग दिला दिए, एक छोटा बैग है, एक बड़ा लैपटॉप बैग दिला दिया इस टाइप का, और एक छोटा वाला दिला दिया, ये मैं आज दिला के लाई थी इसे डीकैथलॉन से, कि छोटा मोटा अगर तुम्हें सामान कैरी करना है, अपना हॉस्टल से जाना है अपने कहते हैं कॉलेज की तरफ है ना, तो काम आ जाएगा। तो हॉस्टल से कॉलेज ज़्यादा दूर थोड़ी होते होंगे, वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते होंगे, थोड़ा बहुत वो अंदर ही अंदर है ना सब कुछ, कैंपस बड़ा है तो इससे थोड़ा तो टाइम लग जाता है, हाँ कैंपस काफ़ी बड़ा है कशिश का। तो बाकी बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं मेरे से कि कशिश कहाँ जा रही है, तो सच पूछो तो गाइस फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न मैं बिल्कुल ऐसे तो डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि कशिश किस कॉलेज में जा रही है, लेकिन हाँ साउथ में जा रही है इतना आप लोगों को मैं बता सकती हूँ। ये जो है मैं ये भी लेके आई हूँ, बार टॉवल, हैंड टॉवल है ये, बार टॉवल नहीं है, हाँ, ये हैंड टॉवल वगैरह है, दो लेके आई हूँ। और फिर मैं न्यू यूज भी गई थी तो वहाँ से मैंने इसको एक सीसी क्रीम दिला दी, क्योंकि फाउंडेशन तो लगाऊंगी नहीं ये भी, हाँ। बस अगर कभी कुछ हुआ स्पेशल ओकेजन, लोगों को बता दो जिन बच्चों जो बच्चे कॉलेज जा रहे होंगे उन्हीं को हेल्प मिल जाएगी। एक्चुअली मैं तो सब सोच के जा रही हूँ, जहाँ जब मैं वहाँ जाऊंगी तब मुझे बच्चे, तो कशिश बेसिकली कर्टेन्स लेके जा रही है, हैंगर्स भी रखे हैं मैंने, हैंगर्स भी रखे, हैंगर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोई भी चीज प्रेस होके लॉन्ड्री से अगर आती है तो आप उन्हें हैंगर में हैंग कर सकते हो, अपने एक वीक के कपड़े एटलीस्ट हैंग कर सकते हो। तो मैंने 8-10 हैंगर रख दिए,
आज तो ये वाली शॉपिंग करके लाई थी, ये जो रूम में पहनने वाली, और एक दिन मैं इसको लेकर गई थी तो ये सारी कुर्तियां लेकर आई थी। मेरे पास बस तीन कपड़े डिवाइडेड है, एक है कॉलेज में पहनने वाले, एक है हॉस्टल में पहनने वाले, और एक है कैजुअल जो बाहर बाहर पहन के जा सकते हो, या फिर कॉलेज में, कॉलेज में फेस्ट हो या कोई फंक्शन हो, हाँ तो थोड़ी एक ड्रेस रखी है। तो मैंने इसकी कपड़ों का तो इतना ही है डिविजन, बाकी तो आपको नॉर्मल सामान ही चाहिए। वैसे मैं आपको जनरल आइडिया देती हूँ, तो ये सारे यहाँ पे मेरे जैसे मैंने बताया नाइट सूट्स हैं, तो नाइट सूट्स में मैंने क्या किया, एक दो पजामे ले लिए, बाकी मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट्स हैं ऑलरेडी, मैंने बहुत खरीद रखे हैं, कलेक्शन है मेरा शॉर्ट्स का। तो कमरे में ही पहनना है इसको, कमरे में पहनना है शॉर्ट्स, और मतलब हॉस्टल में ही पहनना है रात के वक्त, तो शॉर्ट्स और पजामा रख लिए हैं, कुछ नॉर्मल टी शर्ट रखे हैं, तो ये पूरा वो वाला हो गया। अब मैंने एक्चुअली मैंने कशिश को ना इस टाइप के बैग में सेपरेट करने को बोला है कि तुम अपने जैसे कि जो तुम्हें रूम में पहनने हैं वो अलग कर लो, जो तुम्हें बाहर पहन के जाने हैं वो अलग कर लो, और जो तुम्हें कॉलेज में पहनने वो अलग कर लो। तो इस तरीके से मैंने इसके इस टाइप के बना दिए हैं, जो कि मार्केट में बहुत आराम से मिल जाते हैं, आपको मीशो पे मिल जाएंगे, अमेजोन पे भी मिल जाएंगे, और यहाँ से ट्रांसपेरेंट रहते हैं तो चीजें पता रहती हैं। मैं बताऊँ तो ये जो है बैग्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली वहाँ पे जाके इन्हें रख दूंगी, सब बच्चों को एक एक अलमारी तो मिलेगी। और वैसे भी कशिश तेरे साथ तो दो पार्टनर और भी है, रूम पार्टनर, तो कशिश का तीन वाला रूम है जिसमें दो लड़कियां और मिलने वाली हैं, तो देखो जिसको कशिश अभी जानती भी नहीं है। ये तो तू केबिन में ले जाना, तो ये वाला तो बाहर निकाल, हाँ बेडशीट भी दे देती हूँ, इसको मैं सोच रही हूँ तीन से चार जोड़ी बेडशीट दे दूँ, इन्हीं चीज़ों की बेसिकली ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि बेडशीट है, क्विल्ट है आपका, हैंगर है। यहाँ पे सारे मेरे डेनिम्स और नीचे के लोअर्स हैं, तो खूब सारे डेनिम्स हैं। यहाँ पे मैं एक ट्राउजर्स खरीद के लाई हूँ आज, आज ही लाई है, हाँ ये वाला, ये वाले बहुत क्यूट से हैं, ऐसे पैंट स्टाइल में ट्राउजर्स हैं, इसको फॉर्मली भी पहन सकते हो, कैजुअली भी पहन सकते हो, इसकी साइज और फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आया था। और बाय द वे आज मेरे दो स्वीट सब्सक्राइबर मिले थे मुझे मॉल में, एक तो मुझे वहीं पर मिली थी डिकैथलॉन के बाहर, और एक मुझे मिली थी पैंटालून में जब मैं शॉपिंग कर रही थी, और दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा, इतने प्यारे थे ना दोनों। एक तो अपनी बेटी के साथ भी आई थी तो बहुत ही अच्छा लगा। इस तरीके से अगर आप लोग भी हमें कहीं दिखाई दिया करें तो हेलो करने जरूर आया करें, मैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सबसे बेस्ट बात ये है कि इन ऑर्गेनाइजेशन वालों की कि आप अलग अलग जाओगे तो आपको उसी जगह जिसमें आपने ऑर्गेनाइज किया है जो चीज़ वो आसानी से मिल जाएगी। तो मुझे अगर रात के कपड़े पहनने होंगे तो मैं ये वाला खोल लूँगी, अगर मुझे जीन्स चाहिए होगी तो मैं ये वाला खोल लूँगी, और फिर थर्ड मेरे पास जो आता है वो है स्कूल के या मतलब बेसिकली कॉलेज के कपड़े। ये अलग इसलिए क्योंकि मेरे कॉलेज में थोड़ा सा सेमी फॉर्मल ड्रेस कोड है, तो उसमें या तो आप कुर्ते पहन सकते हो या कॉलर टी शर्ट्स पहन सकते हो, तो जैसे अभी मैंने पहन रखी है ये भी चल जाएगी। और वैसे मैंने कुछ फॉर्मल टी शर्ट्स भी लिए हैं जैसे बटन वाली हैं, वरना तो बाकी मैंने मोस्टली कुर्ते ही लिए हैं। मैं इसको सारे कुर्ते लाइफ स्टाइल से दिलाकर लाई थी, और कुछ पैंटालून से भी लिए थे कशिश ने, दिखाना कशिश तुम अपनी कुर्तियाँ, तो बहुत ही प्यारी कलेक्शन मिल गया इसको। इधर आई है, ये तो पुरानी वाली है, क्या मैं रंगमंच की बहुत अच्छी होती है, तो एक ये है, ये नई वाली है, ये सारी नई है, ये सारी नई है, मैं आपको अभी फोल्ड करके नहीं दिखा रही, अनफोल्ड करके, क्योंकि फिर मेरी फोल्डिंग खराब हो जाएगी। तो एक ये शेड है, और मतलब ये सारी अलग अलग शेड में है, ये चाहे तो कशिश इसे पजामी के साथ पेयर अप कर सकती, चाहे तो जीन्स के साथ, मैंने जीन्स के साथ ही सोचा है, मोस्ट लोग जीन्स ही पहनते हैं, तो जीन्स के साथ ही कुर्तियां पहन लूंगी। और ये मुझे कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कपड़ा है और बहुत सुंदर भी लगा, महंगी भी नहीं थी, ये 600 में थी ना शायद, हाँ 600 या 500 को, एक इसमें से 900 की है, वैसे 600 की है, ये है आई थिंक 500 ये 800 में 2 या कुछ ऐसे, ये हम लोगों ने खरीदी है ट्रेंड से, रिलायंस ट्रेंड से ये दोनों कुर्तियां, लाइट कलर्स हैं दो, तो मैंने सोचा कि हर कलर का ऑलमोस्ट शेड का होना चाहिए, थोड़े डार्क शेड्स, थोड़े लाइट शेड्स, क्योंकि मुझ पे लाइट शेड्स भी अच्छे लगते हैं। फिर मैंने एक ब्लैक भी लिया, क्योंकि ब्लैक तो सबसे ये पैंटालून से ली थी, ये पैंटालून से लिए, रंगमंच आपको पता ही होगा बहुत लोग खरीदते हैं इनकी, और फिर एक ये भी पैंटालून से, ये भी पैंटालून से, और एक मेरी जो बाकी की कुर्ती है, पैंटालून की थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन पैंटालून की जो कुर्तियां उनका कपड़ा 1100 की दो है। हाँ। मेरी एक दो और कुर्तियां हैं जो अभी प्रेस पे गई हैं, तो वो भी रख जाएंगी इधर ही। ये बैठा मफिन, क्यूटू मेरा प्यारा बच्चा, बहुत मिस करेगा दीदी को, क्योंकि कशिश के रूम में ही बचपन से पल रहा है ये। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे जो मेरे पास, मैंने कैजुअल कपड़ों में कुछ नहीं शॉपिंग की है, मैंने बस जो शॉपिंग की है वो कॉलेज के लिए ही की है, ये सारे कपड़े मेरे वही हैं जो मैं पहनती आ रही हूँ, तो इसमें कुछ नया नहीं है इसमें। बाकी कशिश की टीसी का बड़ा दिक्कत हो गई थी, दो दिन से टीसी के चक्कर में हम घूम रहे हैं, हाँ, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हुए, ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया, तो टीसी निकलवाने अब जाना पड़ा, प्रशांत को दो दिन बहुत टाइम लगा है।
तो यहाँ पे मेरा टॉयलेटरी बैग भी रेडी है जिसमें शैम्पू कंडीशनर, जैसे शैम्पू है पैंटीन का जो मैं मेरा फेवरेट शैम्पू है मैं इसी को यूज़ करती हूँ। फिर मेरे पास मामा अर्थ का कोको आलमंड कंडीशनर है, हाँ ये साथ में मैं एक पैक भी लेके जा रही हूँ, छोटा सा मिनी वाला फेस पैक है। हाँ। तो मैं लगा कभी जैसे टैनिंग वगैरह हो गई तो ले जाते हैं। बाकी टूथब्रश है और पेस्ट है और साबुन है, शावर जेल है, बस ये सब चीज़ें हैं, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, बस बेसिक वही वाली हैं। बाकी मैं डैडी के साथ सोचा था कि जैसे आप लोग भी अगर पैकिंग कर रहे हो या जानना चाहते हो तो मैं मेडिसिन भी लेके जा रही हूँ थोड़ी बहुत, जैसे मतलब कभी ज़रूरत पड़ गई पेट दर्द की, सर दर्द की, कॉफ की, कोल्ड की, मतलब थोड़ी बहुत छोटी सी। बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रही है अपने सारे जो कि जरूरत के लिए काम आते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स की पूरी फाइल बनाई है। बाकी लैपटॉप और फोन लेके जाएगी। हाँ मतलब गैजेट्स में तो लैपटॉप फोन जाएगा। बाकी आप लोग भी सजेस्ट करना अगर कमेंट सेक्शन में मैं कुछ भूल रही हूँ या मैंने मतलब मेंशन ना किया। और मुझे पता है कुछ चीज़ें जैसे सुइंग किट भी रखनी है और फ्लैश लाइट एंड ऑल, एक फ्लैश लाइट भी रखी है, मतलब कुछ इमरजेंसी वाली चीज़ें भी रखी है। बट आपके अगर आपको आइडिया हो या आप गए हुए हॉस्टल तो आपको पता हो कौन सी चीज़ ज़रूरी है।